हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सिग्नल सिस्टम में चैप्टर 3 फूरियर सीरीज में एलएनबीओपेडियम का प्रॉब्लम नंबर 3.25 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 3.25 में दे रखा है थ्री कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल दे रखा है XT, YT एंड ZT। सारे पीरियोडिक है विद टाइम पीरियड t=1/2 से। रिलेशन दे रखा है ZT=XT(YT), XT(YT=ZT गिवन है। पहले तो फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ XT फाइंड करना है ए पार्ट में, बी पार्ट फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ YT निकालना है, दो काम हम करेंगे। फिर ZT का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालना है पार्ट ए और पार्ट बी के रिजल्ट को यूज करके, और मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस टाइम फूरियर सीरीज को यूज करता हुआ, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को यूज करके ZT का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालना है। इसका डी पार्ट भी है, वो डी पार्ट अभी बाद में लिखेंगे, थोड़ा स्पेस की दिक्कत है, तो डी पार्ट पहले ए बी सी कर लेते हैं, फिर डी पार्ट भी साथ में इसी वीडियो में हम करवाएंगे। तो सबसे पहले ए पार्ट से चलते हैं। ST गिवन है साइन और कॉस के फॉर्म में, अगर कोई सिग्नल गिवन है तो उसका फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं, 3.1 प्रॉब्लम नंबर, 3.21 प्रॉब्लम नंबर, इस सारे में के सॉल्यूशन में आपने देखा है कि ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, इसका एक्सपोनेंशियल में चेंज करके डायरेक्ट कंपैरिजन करके फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। आप देख रहे हैं मैथोसी गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। ए पार्ट देखते हैं। पहले तो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, XT=समेशन ऑफ k=-∞ to ∞ ak^j k ω0t। ओमेगा नॉट की वैल्यू यहां पे कितनी होगी, 2π/t, 2π/1/2, मतलब 4π वैल्यू है ना, तो 4π लिख सकते हैं इसको, मतलब समेशन ऑफ k=-∞ to ∞ ak^j k 4π t। इससे कंपैरिजन करके कोएफिशिएंट्स की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ए पार्ट में XT=cos 4π t, XT=cos 4π t गिवन है, इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो cos θ = होता है e^j θ + e^-j θ/2। इस तरह से इसे हम एक्सपोनेंशियल में एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा e^j 4π t + e^-j 4π t/2। कोफिशियंट कंपेयर कर देंगे, e^j 4π t का कोफिशियंट, k की वैल्यू जब 1 होगा तब आएगा ना, ये इसको खोलेंगे तो a1 e^j 4π t, तो e^j 4π t के बगल में क्या है 1/2, तो a1 की वैल्यू 1/2 आ गई, e^-j 4π t, k की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो e^-j 4π t आएगा, a-1 e^-j 4π t, e^-j 4π t का कोफिशियंट a-1 है, e^-j 4π t का कोफिशियंट 1/2 है, तो ये -1 की भी वैल्यू 1/2 आ गई, और अदर्स रिमेनिंग बाकी सारे कोफिशियंट जीरो होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे, तो ए पार्ट का आंसर आ गया हमारा, अदर्स आर जीरो है ना, बाकी सारा जीरो, a2 a3 a4 ऑल आर जीरो। तो ए पार्ट में XT का फूरियर सीरीज कोफिशियंट डिटरमाइन करना था, जो कि हमने कर लिया। ऐसे ही बी पार्ट करते हैं, फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ YT, YT = गिवन है sin 4π t, YT = गिवन है sin 4π t, इसको एक्सपोनेंशियल में हम चेंज करने जा रहे हैं, sin θ का एक्सपोनेंशियल वर्जन होता है, sin θ = e^j θ - e^-j θ / 2j। ये सारे फॉर्मूले आप साइड में लिख लीजिए, लास्ट पेज पे कॉपी के ध्यान में रहेगा। तो sin 4π t को हम क्या लिखेंगे, e^j 4π t - e^-j 4π t
डिवाइड बाई टू जे, जब सही से लिखना चाहें तो 1 बाई टू जे टू डी पावर जे 4 पाई टी, माइनस 1 बाई टू जे टू डी पावर माइनस जे 4 पाई टी, ठीक है। तो कंपेरिजन करेंगे तो सेम उसी तरीके से k इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो e टू डी पावर j 4 पाई टी का कोएफिशिएंट a1 है, e टू डी पावर j 4 पाई टी का कोएफिशिएंट 1 बाई टू जे, यहां पे a1 नहीं इसको b1 लिखते हैं, xt का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट को हमने a के लिया है तो yt का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट को हम b के लेके चलते हैं। तो यहां से b1 की वैल्यू 1 बाई टू जे हो गया और b2 की वैल्यू माइनस 1 बाई टू जे हो गया, ठीक है। अब c पार्ट करते हैं, b पार्ट भी आ गया, इसका b पार्ट का भी आंसर आ गया, b1 और b2 आ गया, रिमेनिंग अदर्स कोफिशिएंट्स आर जीरो जो है। तो c पार्ट में zt इक्वल टू xt इनटू yt का फूरियर सीरीज कोफिशिएंट निकालना है और प्रॉपर्टी होता है अगर zt का फूरियर सीरीज zt इक्वल टू दे रखा है xt इनटू yt, zt का फूरियर सीरीज कोफिशिएंट ck है तो ck का फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ l इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी al bk माइनस l, इस फॉर्मूले को यूज करके हम फूरियर सीरीज कोफिशिएंट निकालेंगे, zt का फूरियर सीरीज कोफिशिएंट निकालेंगे। देखिए कैसे निकलते हैं, इधर लिख ले रहे हैं वैल्यू, a1 इक्वल टू 1 बाई टू है, a माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई टू है, b1 इक्वल टू 1 बाई टू जे है, b माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 बाई टू जे, और ck का फॉर्मूला होता है, c पार्ट करने जा रहे हैं, ck इक्वल टू समेशन ऑफ l इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी al bk माइनस l होता है। यहां से अगर c0 फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, l इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी al b0 माइनस l, मतलब b माइनस l, एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 सारे पुट करने हैं और समेशन करना है। अगर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए 0, बी 0, 1 पुट करेंगे तो ए 1, बी माइनस 1, 2 पुट करेंगे तो ए 2, बी माइनस 2, ए 2, ए 3, ये सब तो 0 ही है, माइनस 1 पुट करेंगे तो ए माइनस 1, बी प्लस 1, माइनस 2 पुट करेंगे तो ए माइनस 2, बी प्लस 2, वैल्यू यहां पुट करते हैं, ए जीरो बी जीरो की तो जीरो है, ए वन की वैल्यू 1 बाई टू है, बी माइनस 1 की वैल्यू माइनस 1 बाई टू जे है, ए टू बी टू जो जीरो है, ऐसे ही माइनस 1 की वैल्यू 1 बाई टू है, बी 1 की वैल्यू 1 बाई टू जे है, ये पुट कर दिया जाए और ये तो जीरो हो गया, इक्वल टू 1 बाई फोर जे माइनस 1 बाई फोर जे, वैल्यू जीरो आ गई, 1 by 4j minus 1 by 4j value 0 आ गई, c1 की value 0 आ गई, c1 find करेंगे, k की value 1 put करेंगे, summation of l equal to minus infinity to infinity al b1 minus l, इसकी value put करेंगे, k की value 0, l की value 0 से लेके सारे put करेंगे, 0 put करेंगे तो कितना आएगा, a0 b1 plus a1 b0, L की वैल्यू 1 पुट किया तो L की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो A2, 2 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 आपका हो जाएगा A2 B माइनस 1, A3 B माइनस 2, ये सब 0 ही हो जाएगा, माइनस 1 पुट करेंगे तो A माइनस 1 B2 B3 आएगा, आगे सारे 0 आएंगे, B2 0 है, A0 0 है तो 0 होगा, B0 0 है तो 0 होगा, B A2 0 है, A3 0 है, ये सारी वैल्यू 0 आ गई, C1
C1 की वैल्यू हमारी 0 आ गई, ठीक है। अब C2 फाइंड करेंगे, मैं मिटा देता हूं, चलिए यहां C2 निकालते हैं। C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे इसी तरीके से, समेशन ऑफ L इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी AL B2 - L। अब इसमें L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 पुट करिए, तो C0 C1 0 आया। C2 में हम L इक्वल टू 0 पुट करें तो क्या आएगा, देखिए 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, A0 2 - 0 B2 आएगा, प्लस L इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो A1 B2 - 1 B1 आ गया, L इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो A2, ऐसे तो A2 लिखने की जरूरत नहीं है, B0 A2 A3 ये सारी वैल्यू तो 0 है। L इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो A-1 2+1 3 -2 पुट करेंगे तो A-2 B2 - 2 4 हो जाएगा, B4 हो जाएगा, तो माइनस में पुट करने पे तो और बड़ी वैल्यू आती जाएगी, B4 0 है, B3 भी 0 है, B2 भी 0 है, A1 B1 की वैल्यू है, A1 आपका 1/2 है और B1 1/2j है, A2 0 है, 0 हो जाएगा, 1/4j आ गया। मतलब अभी तक देखें तो C0 हमारा 0 आया है, C1 भी 0 आया है, C2 की वैल्यू 1/4j आई है। ऐसे ही C3 अगर निकालेंगे, C3 फाइंड करेंगे तो क्या होगा, L इक्वल टू -∞ to ∞ AL B3 - L, 0 पुट करेंगे तो A0 B3 प्लस A1 B2 प्लस A2 B1 प्लस A3 B0 आगे तो A3 A4 ये सब 0 ही है, A-1 पुट करेंगे तो A-1 B4, ये तो वैल्यू बढ़ती जा रही है B की, तो 0, B3 भी 0 है, B2 भी 0 है, A2 0 है, A3 0 है, सारी वैल्यू 0 आ गई है, मतलब C3 भी 0 होगा, आगे करेंगे C4 सब 0 आएगा। निगेटिव में चेक कर ले, C0, C1, C2, C3 ये सारी वैल्यू हमने निकाली। अब C-1 निकाल के देखते हैं, C-1 फाइंड करते हैं, इसमें K की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, AL B-1 - L, L इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा A0 B-1 + 1 पुट करेंगे तो A1 B-2 B-3 आ गया, आने लग जाएगा इधर तो 0 ही हो जाएगा, -1 पुट करेंगे तो A-1 B0, -2 पुट करेंगे तो A-2 - 2 पुट करेंगे तो B1, फिर -3 आगे 0 ही है वैल्यू, तो ये -2 0 है, B0 0 है, A0 0 है, B-2 0 है, तो ये वैल्यू 0 ही आएगी, मतलब C-1 की भी वैल्यू 0 आई है। ऐसे ही C-2 फाइंड करिए, समेशन ऑफ L इक्वल टू -∞ to ∞ AL B-2 - L, 0 पुट करेंगे तो A0 B-2, 1 पुट करेंगे तो A1 B-3, इधर तो 0 ही आता जाएगा, -2 - 3 - 4 भी सारी वैल्यू 0 है, बी का -1 पुट करेंगे तो A-1 -2 - -+1 B-1, -1 पुट किया, -2 पुट करेंगे तो A-2 B0, अब A3 पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे तो A-3 0 ही है, इधर तो 0 ही हो जाएगा, A-2 की वैल्यू 0 है, दिख रहा है आपको, A-1 की वैल्यू 1/2 है, B-1 की वैल्यू -1/2 ये है, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, मतलब C-2 की वैल्यू
सी माइनस टू की वैल्यू माइनस वन बाई फोर जे, ऐसे ही सी थ्री निकालेंगे तो जीरो आएगा, सी फोर भी जीरो आएगा, आगे सारी वैल्यू जीरो आएगी। तो इस तरह से हमने सी के निकाल लिया, फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ जे टी निकाल लिया। क्या निकाला आपने? फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ जेड टी, क्या होगा? जेड टी का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट अगर सी के है तो सी टू की वैल्यू हमारे पास आई है वन बाई फोर जे, और c माइनस टू की वैल्यू आई है माइनस वन बाई फोर जे। ठीक है, ये वैल्यू आई। अब d पार्ट पे आते हैं, c पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ZT का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट आ गया, c2 c माइनस टू की वैल्यू आ गई, इसको रब कर दे, डन है, लिख लिया होगा आपने, पॉज करके लिखिए। अब डी पार्ट देखिए क्या कर रहा है। डी पार्ट में बोला है डिटरमाइन द फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ जेड टी थ्रू डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ जेड टी इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म एंड कंपेयर योर रिजल्ट विद पार्ट सी। अब जेड टी का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट जो हमने निकाला है ना, वो दूसरे तरीके से निकालना है। पहले तो हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट का यूज करके हमने निकाला, सी टू इक्वल टू वन बाई फोर जे, सी माइनस टू इक्वल टू माइनस वन बाई फोर जे आया। अब बोल रहा है जेड टी का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पड़े हैं डायरेक्ट एक्सटेंशन का, उसको यूज करके निकालिए और कंपेयर करिए कि रिजल्ट सेम आया है या नहीं आया है। तो करते हैं, ये भी करते हैं। जेड टी इक्वल टू था एक्स टी इंटू पाई टी, एक्स टी की वैल्यू है कॉस फोर पाई टी और वाई टी की वैल्यू है साइन फोर पाई टी। 1 बाई टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, 2 साइन 4 पाई टी कॉस 4 पाई टी, आ जाइए फिगर पे, आ जाइए भाई, या तो आप डायरेक्ट एक्सटेंशन करके भी कर सकते हैं या इसको डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल के टर्म में भी खोल के कर सकते हैं। इसमें भी दो तरीके से आप कर सकते हैं, साइन 4 पाई टी को भी एक्सपोनेंशियल में खोल दीजिए, cos 4 pi t को भी एक्सपोनेंशियल में खोल दीजिए, उसको भी मल्टीप्लाई करके आप चाहे तो कर सकते हैं। हम अभी पहला तरीका बता रहा हूं, 2 sin a into cos a का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 sin a into cos a का ट्रिगोनोमेट्रिक में फॉर्मूला, इतना तो पढ़े ही होंगे, sin 2 a होता है, ये फॉर्मूला मैं लगाने जा रहा हूं, मतलब ये 1 by 2 into sin 8 pi t हो गया। अब इसको एक्सपोनेंशियल में खोलेंगे, sin थीटा इक्वल टू होता है e to the power j थीटा प्लस सी टू डी पावर माइनस जे थीटा माइनस होता है डिवाइड बाय टू जे। ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट है फोर पाई, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है फोर पाई, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वन बाई टू इंटू टू जे वन बाई फोर जे ई टू डी पावर जे टू ओमेगा नॉट टी, ऐसा लिख सकते हैं माइनस वन बाई फोर जे ई टू डी पावर माइनस टू जे ओमेगा नॉट टी, e to the power 2 omega not t का coefficient c2 हो जाएगा, c2 equal to 1 by 4j, e to the power minus 2 omega not t, omega not 4 pi है इसलिए ऐसा लिख दिया ना, 8 pi को 2 omega not हमने लिख लिया, 4 pi equal to omega not है तो 8 pi equal to 2 omega not हो गया, c minus 2 की value minus 1 by 4j आ गई। देखिए सेम आया था, यहां भी c2 1 by 4j आया था, यहां भी c minus 2 minus 1 by 4j आया था, यहां भी c2 1 by 4j c minus 2 minus 1 by 4j, सेम रिजल्ट है ना, लिख सकते हैं सेम रिजल्ट हमारा आया। और बहुत सारे हमारे भाई बंधु परेशान हैं कि भाई 2 sin a into cos a sin 2 a हमें आता नहीं है, वो हमारी कमजोर है, तो उन सब के लिए मैं दूसरा तरीका सेकंड मेथड बता रहा हूं। का सेकेंड मेथड आप कैसे कर सकते थे, यहां लाइन दे रहा हूं, ये फर्स्ट मेथड का था,
फर्स्ट मेथड क्या बोलूं इसको, सेकंड, ये सेकंड मेथड था हमारा, अब थर्ड मेथड करने जा रहे हैं। थर्ड मेथड से कैसे करेंगे, cos 4 pi t को e टू द पावर j 4 pi t प्लस e टू द पावर माइनस j 4 pi t डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं, और sin 4 pi t को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं sin 4 pi t को, e टू द पावर j 4 pi t माइनस e टू द पावर माइनस j 4 pi t डिवाइड बाय 2j, 2 into 2j 1/4j बाहर ले लें और खोल दें, e टू द पावर j 4 pi t का मल्टीप्लाई होगा e टू द पावर j 4 pi t से माइनस e टू द पावर j 4 pi t इनटू e टू द पावर माइनस j 4 pi t प्लस e टू द पावर माइनस j 4 pi t इनटू e टू द पावर प्लस j 4 pi t, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, e टू द पावर माइनस j 4 pi t इनटू e टू द पावर माइनस j 4 pi t, ये आ गया, खोल दिया हमने, a प्लस b इनटू c प्लस d, a इनटू c प्लस a इनटू d, a इनटू c प्लस a इनटू d, b इनटू c प्लस b इनटू d, इस तरह से खोला हमने। 4 pi t बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, e टू द पावर 8j 8j pi t आ गया, a प्लस का सेम क्वांटिटी है माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस 8j pi t सेम आ गया ना, देखिए 1/4j e टू द पावर 8j pi t माइनस e टू द पावर माइनस 8j pi t, यहां कंपेयर करके वैल्यू लिख सकते हैं, c2 आपका 1/4j है, 2 ओमेगा नॉट का कोएफिशिएंट e टू द पावर j, e टू द पावर माइनस j 2 ओमेगा नॉट का कोएफिशिएंट c माइनस 2 आपका माइनस 1/4j। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीका और मेथड आपने सीख लिया फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालने का, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज कैसे करते हैं ये भी आपने सीख लिया। तो ओपिनियन का प्रॉब्लम बनाने से आप बहुत सारी चीजें का कॉन्सेप्ट्स आपको आता है, आप सीखते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है, एक तरह से मैंने पहले ही कहा है कि थ्योरी है। और बहुत सारे लोग अभी डिमांड कर रहे थे, डिमांड आ रही है 3.23 को आप करवाइए, 3.23 में इनवर्स फूरियर सीरीज निकालना है, पहले फूरियर सीरीज का प्रॉपर्टी यूज करना थोड़ा फास्ट प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो फिर उसे करेंगे। थोड़ा सा एक अप्रोच मैं लेके चल रहा हूँ कि किन किन प्रॉब्लम को पहले करवाया जाए और किस ऑर्डर में करवाया जाए, ताकि जो समझ रहे हैं नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार फूरियर सीरीज पढ़ रहे हैं उनके लिए आसान। ओपिनियम के जो सीक्वेंस है उसको फॉलो करना हमें नहीं लगता है ज़्यादा बेटर है, ओपिनियम अच्छी है लेकिन उसका सीक्वेंस थोड़ा सा फिजिबल नहीं है नए स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए तो चलेगा, स्टूडेंट के लिए थोड़ा दिक्कत है, तो हम उस सीक्वेंस में करवा रहे हैं जो आपके लिए सबसे बेस्ट सूट करेगा आपको और समझ में आता जाएगा। सीरियल वाइज जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसी ऑर्डर में आप पढ़ते जाइएगा तो एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आती चली जाएंगी बातें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको व्यू करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए भी, शेयर करिए तो उसका भी धन्यवाद दे देंगे।